मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अवर एसएसटी क्लास ऑफ फिफ्थ स्टैंडर्ड। एज यू नो, वी आर कंटिन्यूइंग रीडिंग ऑफ चैप्टर नंबर 10, नेचुरल रिसोर्सेज। सो टुडे ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 55। बेटे, आज का हमारा टॉपिक है अल्टरनेटिव रिसोर्सेज। मोस्ट ऑफ द एनर्जी वी यूज टुडे टू पावर अवर होम, स्कूल एंड ऑफिसेज कम फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। बेटे, आजकल जो एनर्जी जो हम अपने घरों, स्कूल और ऑफिसेज में यूज़ करते हैं, वो फॉसिल फ्यूल से आती है। फॉसिल फ्यूल के जलने से एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है, और ऐसे ही अगर हम फॉसिल फ्यूल को लगातार यूज़ करते गए तो ये एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। इस वजह से साइंटिस्ट आर लुकिंग फॉर सच रिसोर्सेज विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ द फॉसिल फ्यूल एंड विल लास्ट फॉर एवर। इस वजह से साइंटिस्ट ऐसे रिसोर्सेज की खोज में हैं जिससे हम फॉसिल फ्यूल की जगह पर यूज़ कर सकें और जो कि हमेशा चलते रहें। द सोल्यूशन इज़ अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसे अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहा जाता है, जिसे हम फॉसिल फ्यूल की जगह पर यूज़ कर सकते हैं। ये एनर्जी हमें मूविंग वाटर एंड विंड से मिलती है। दिस एनर्जी कैन बी यूज एज रिप्लेसमेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल। इस एनर्जी को हम फॉसिल फ्यूल की जगह पर यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज आर रिन्यूएबल एंड आर कंपेरेटिवली क्लीनर फॉर द एनवायरमेंट। तो इस तरह से जो हमें एनर्जी मिलती है वो रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं और ये इन्वायरमेंट को साफ रखती है। द सन शाइन्स, इट्स एनर्जी कैन बी ट्रैप्ड इन सोलर सेल्स विच कैन बी लेटर यूज फॉर लाइटिंग स्ट्रीट लाइट्स, रनिंग सोलर ऑपरेटेड कार्स एंड कुकिंग फूड। बेटा, जब सन चमकता है तो इसकी एनर्जी को हम सोलर सेल में ट्रैप्ड करके, मतलब बंद करके रख सकते हैं, और बाद में इसकी एनर्जी से स्ट्रीट लाइट्स को जला सकते हैं, सोलर ऑपरेटेड कार को चलाया जा सकता है और खाना बनाया जा सकता है। आजकल आप लोगों ने सोलर पैनल के बारे में सुना होगा, इससे सन की रोशनी में बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। ये देखो बेटा, पिक्चर में ये सोलर पैनल दिखाया गया है। ये अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी है जो कि बिजली प्रोड्यूस करने में सोलर को, सन को यूज़ किया जाता है। सोलर फार्म्स आर सेट अप इन लार्ज एरियाज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो सोलर फार्म्स हैं वो बड़े बड़े एरियाज़ में सेट किए जाते हैं ताकि इनसे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा सके। आजकल ये सोलर पैनल घरों में भी लगने लगे हैं। हाँ एवर स्टिल देयर इज़ ए नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। पर फिर भी हमें नेचुरल रिसोर्सेज के कंजर्वेशन की ज़रूरत है। अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे भी, हमें नेचुरल रिसोर्सेज को क्यों कंजर्व करके रखना चाहिए। द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स यूजिंग अवर रिसोर्सेज इन ए जुडिशियस एंड सेंसिबल वे। अवर रिसोर्सेज आर गेटिंग डिमिनिश्ड विद ईच पासिंग डे। इसका मीनिंग है भी हमें नेचुरल रिसोर्सेज को संभाल कर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो दिन ब दिन ख़त्म होते जा रहे हैं। दिस इज़ ड्यू टू द एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड फास्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वो तेज़ी से बढ़ रही है, और जो टेक्नोलॉजी है उसका भी विकास वो तेज़ी से हो रहा है। इफ़ वी डू नॉट यूज़ दिस रिसोर्सेज सेंसिबल इनाउ, आवर फ्यूचर जनरेशन वुड सफ़र। अगर हम इन रिसोर्सेज को सेंसिबली, मतलब ध्यान से नहीं यूज़ करेंगे तो हमारी फ्यूचर जनरेशन को मुश्किल हो जाएगी। तो इसके लिए हमें ये नीचे लिखे हुए कदम उठाने चाहिए। ट्रीज़ प्रोवाइड अस विद ऑक्सीजन, फूड, पेपर एंड ए लॉट ऑफ अदर थिंग्स। बेटा, जो ट्रीज़ होते हैं, जो पेड़ होते हैं, वो हमें ऑक्सीजन, फूड, पेपर, कई तरह की दूसरी ज़रूरी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। दे ऑल्सो प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड चेक फ्लड्स। वो मिट्टी को भी खुलने से बचाते हैं और बाढ़ आने से भी रोकते हैं। वी शुड यूज़ सच थिंग्स जुडिशली विच वी गेट फ्रॉम ट्री, सो दैट फ्यू ट्रीज आर कट। इसीलिए हमें ट्रीज़ को नहीं काटना चाहिए। अगर हम मान लो एक ट्री को हमने काटा है तो उसकी जगह पर हमें दूसरा ट्री भी लगा देना चाहिए। टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल, वी शुड यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कारपूल्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग अवर पर्सनल व्हीकल्स। और वायु में प्रदूषण की मात्रा को कम करने के लिए और पेट्रोल और डीजल ये फॉसिल फ्यूल होते हैं, इनको बचाने के लिए हमें अपने ट्रांसपोर्ट की बजाय, अपने कारों की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा आजकल हाइब्रिड कार्स भी आ गई हैं, वो भी एक अच्छा एनर्जी का स्रोत है। वी शुड यूज़ अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक सोलर, विंड एंड वाटर फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। और इसके अलावा हमें इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए सोलर, विंड और वाटर को यूज़ करना चाहिए। द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फ्रॉम वाटर इज़ कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी पानी से प्रोड्यूस की जाती है उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ये देखो बेटा, वाटर स्टोर्ड इन डैम्स इज़ यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जो पानी डैम्स में स्टोर किया जाता है, बाद में उससे बिजली प्रोड्यूस की जाती है, जिसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। आवर फ्लोरा एंड फ्यूना शुड ऑल्सो बी प्रोटेक्टेड। हमें अपने एनिमल्स और प्लांट्स के जीवन की सुरक्षा के लिए भी बहुत ज़्यादा कदम उठाने चाहिए। तो बेटा, इसी के साथ हमारे चैप्टर की रीडिंग यहाँ पर फिनिश होती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।